घरेलू उपाय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दिवाली की सफाई में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे घर से निकाल कर फेंक देनी चाहिए, जिससे आपके घर में सकारात्मकता बने। अगर आप उसको रख लेंगे तो आपके घर में नकारात्मकता बनी रहेगी। इसलिए ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, या और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको घर से बाहर निकाल देनी चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मकता बनी रहे और आपके घर में खुशहाली बनी रहे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें। दिवाली से पहले घर की सफाई करते वक्त हम कई बार कुछ पुरानी चीज़ों को दोबारा संभाल कर रख लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पुरानी चीज़ों को आप से आपका मोह घर में नकारात्मकता का ऊर्जा संचार करता है और सकारात्मकता में कमी करता है। इससे बचने के लिए कुछ चीज़ों को घर से बाहर कर देना बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए जाने कि लक्ष्मी पूजा से पहले घर की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। टूटा हुआ दर्पण रखना वास्तु के अनुसार एक बड़ा दोष है। इस दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है तथा परिवार के सदस्यों में मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, तो इसे जरूर घर से बाहर निकाल दें। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए जरूरी होता है कि पति पत्नी का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि पलंग ठीक नहीं होगा तो पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में परेशानी आने की आशंकाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं, तो इसे बदल देना चाहिए या फिर इसे रिपेयर करवा लेना चाहिए। खराब घड़ियां घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति निर्धारित होती है। यदि घड़ी सही नहीं होगी तो परिवार की सदस्य कार्पूड करने की में बाधाओं का सामना करेंगे और काम तय समय में पूर्ण नहीं हो पाएगा। यदि आपके घर में कोई टूटी हुई तस्वीर हो तो उसे भी घर से हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार यह भी वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। यदि घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खराब हो या टूटी हुई हो तो उसे भी घर से बाहर हटा देना चाहिए। यदि घर का मुख्य दरवाजा टूटा फूट रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। दरवाजे में टूट फूट अशुभ मानी जाती है। घर का फर्नीचर भी एकदम सही हालत में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार फर्नीचर में टूट फूट बुरा असर डालते हैं। टूटे डिब्बे, खराब खिलौने, बेकार सजावटी सामग्री, फटे कपड़े, टूटी चप्पल, पुरानी चादर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर में पिछले वर्ष की बचे हुए दिए को नहीं जलाना चाहिए। नए दिए खरीद कर लाएं और उसी से दिवाली मनाएं। वास्तु दोष उत्पन्न होने पर घर परिवार के सदस्य को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर में वास्तु दोष होता है वहाँ पैसों की कमी बनी रहती है, अतः इन दोषों का निवारण लक्ष्मी पूजन से पहले तुरंत कर लेना चाहिए। घर का भारी सामान या आवश्यक वस्तु घर के दक्षिण पश्चिम भाग में रखना चाहिए। अन्य किसी स्थान पर भी भारी सामान रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। घर में बाथरूम या रसोई घर के लिए पानी की सप्लाई उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आप भी जान गए होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दिवाली पर करनी चाहिए जिससे घर में सकारात्मक प्रभाव पड़े। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर क्यों करें? क्योंकि आपकी तरह जो भी और लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि घर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे घर से निकाल देने से घर में सकारात्मकता आ जाती है, वो भी ये चीज़ जान सके, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आपको हमारे वीडियो में कोई चीज़ ऐसी जो ना समझ में आई हो, या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव मन में आ रहे हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछना या बताना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको भी ऐसे ही नॉलेजेबल ऐसे ही टिप्स या ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आगे भी मिलते रहे।
अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।